नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में। और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में अब की बार गेहूं को की जो आवक है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। चूंकि ये जो मौसम है ये गेहूं की फसल आने का है और यही कारण है कि लगातार जो गेहूं की फसल है वो मंडियों में आ रही है और लगातार आवक इसी के चलते जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो सरकार है मोहन सरकार कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि जो सरकारी खरीद हो रही है उसमें 125 रुपए का बोनस अतिरिक्त जो है वो किसानों को दिया जाएगा। इससे कितना फायदा किसानों को पहुंचा और क्या आने वाले समय में फायदा मिलने की उम्मीद किसानों को है, ये हम सीधे किसानों से जानेंगे। किसानों के बीच खड़े हैं अभी हम, ये लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी है, गेहूं की फसल यहाँ पर लगातार आ रही है। कुछ किसान है, सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ फायदा हुआ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विजय कुमार है, ग्राम गुलाट तहसीलदार जिला इंदौर से। क्या लेके आए मंडी में? गेहूँ लेकर आया सर। अच्छा, कितने बोरी कितनी ट्रॉली गेहूँ लाए? 2 ट्रॉली लाए हुए सर। लाए? अच्छा, क्या भाव है आज का? ऊपर में 2300 रुपये बिका है सर, तेजस हमारे हिसाब से। और नीचे में कितने रहेगा? नीचे में 2000 के समथिंग में जा रहा है। इससे नीचे का दौर पता नहीं बाकी क्या गया, हमने एक दो ट्रैक्टर देखा 2100 से 2400 तक गए। अच्छा, सरकार ने बैठक ली, अब चूंकि गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होगी और इसमें जो है फैसला लिया गया कैबिनेट की तरफ से कि जो सरकारी खरीद है उसमें 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस मिलेगा, फायदा मिलेगा हमको इसका? फायदा तो मिलेगा, बाकी सरकार ने 2700 रुपए का बोला था वो तो नहीं कर पाई सरकार। 125 रुपए बोनस दिया, 2275 समर्थन मूल्य दिया था उन्होंने, पहले 125 रुपए का उन्होंने बोनस दिया है, बाकी डिमांड तो 2700 रुपए की थी, बाकी वो तो नहीं दे पाई सरकार। डिमांड 2700 रुपए की थी लेकिन अभी जो है 125 रुपए सरकार ने बोनस बढ़ाया है। अभी जब हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो क्या दाम वहाँ पर मिलेंगे? अभी तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गए, जब हुआ था 2275 का ही करवाया था। मध्य प्रदेश की जो गेहूं की मांग है वो दूसरे राज्यों में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है, तो क्या इसका असर कुछ पड़ता है भाव वगैरह पर, डिमांड बढ़ती है अपनी? हाँ, बराबर पड़ेगा ना सर, वो तो डिमांड के हिसाब से भाव पर अंतर भी पड़ेगा। बाहर मांग गए तो अपने इधर भाव बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा रहेगी तो, और अपन को उचित मूल्य मिलेगा। और भी किसान है, उनसे सीधे जानेंगे क्या कुछ फर्क इस पूरे हम कहेंगे जो बोनस मिल रहा है उसका पड़ेगा या जो फसल है उसका जो है इस पर असर देखने मिलेगा। क्या नाम है? अजय चौधरी। अजय जी कहाँ से आए? गुलावट। गुलावट, क्या आज गेहूं लेकर गए? हाँ। अच्छा, कितने ट्राली गेहूँ है? 2 ट्राली। सरकार ने एक फैसला लिया है 125 रुपए जो है बोनस के रूप में अतिरिक्त दिए जाएंगे, फायदा मिलेगा उसका? फायदा तो मिलेगा। अच्छा, और दूसरा, लगातार जिस तरह से मांग बढ़ रही है गेहूं की, दूसरे राज्यों में बढ़ रही है, दूसरे देशों में बढ़ रही है, तो उसका भी कोई असर दिख रहा है भाव पर? बिल्कुल रहेगा असर रहेगा। चलिए ठीक है, और भी किसान है उनसे सीधे जानते हैं। क्या नाम है भैया? राहुल यादव। क्या लाए राहुल जी? गेहूं लाए थे। गेहूं लाए, कितने ट्राली गेहूं लाए? 1 ट्राली गेहूं लाए। अच्छा, कौन सी क्वालिटी का गेहूं लाए? ये तेजस क्वालिटी की गेहूं है। अच्छा, लगातार अब दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में गेहूं की डिमांड बढ़ने लगी है, हमारे यहाँ भी आवक धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसका कितना असर पड़ेगा मार्केट पर? इसका असर तो बराबर पड़ना भी चाहिए, वैसे भी किसान के गेहूं पहले से क्यों कम हो रहे हैं हर वर्ष के लिए। अच्छा, क्योंकि पिछले साल जो गेहूं होते थे 18 से 20 बीघे प्रति क्विंटल होता था, इस बार अगर देखा जाए तो उसका रेसा 8 से 10 क्विंटल गेहूं है बीघे को। अच्छा, कम ही है, तो आवक तो वैसे कम है गेहूं में, तो इसलिए भी थोड़ा सा सरकार ने ध्यान देना चाहिए उस पर। 2700 रुपये का बोला था और अब इस बार कम दे रहे बोनस भी, 125 रुपये क्या होता है, उसमें देना चाहिए सरकार ने, देना चाहिए। अच्छा, अब की बार उत्पादन कितना रहा, क्या उत्पादन पर कोई मौसम का असर हमको देखने मिला? मौसम से रहा बिल्कुल, पानी भी गिरा था उसमें, धुआं भी गिरी थी, उससे गेहूं की फसल नुकसान हुआ है उसमें और कम हुआ है। अच्छा, जिस तरह से लगातार मांग बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे पास आवक तो सीमित है, तो क्या लगता है इससे दाम पर कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। निश्चित तौर पर तो एक किसान थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय लिया है जिसमें 125 रुपए अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं किसान खुश तो हैं, लेकिन किसानों के सीधे तौर पर मांग है कि जो दाम है वो 2700 रुपए किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को और अतिरिक्त फायदा जो है यहाँ पर देखने मिले। इसी के साथ साथ गेहूं की यदि हम बात करें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में गेहूं की डिमांड बढ़ रही है, विदेशों में भी गेहूं की डिमांड अब जो है मध्य प्रदेश के गेहूं की बढ़ने लगी है, तो इसका सीधा असर भी आने वाले समय में जो है वो देखने मिलेगा। और आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के जो गेहूं का दाम है वो लगातार बढ़ता नजर आएगा। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से मैं नमन मटके।